हेलो तनिष्का, तनिष्का क्या आप सुन पा रहे बेटा हमें? हाँ सर, आ रही है आवाज। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने एक वो इतिहास गढ़ दिया है जिसको कि हर एक नीट एस्पिरेंट चाहता है कि नीट 2022 के अंदर आपने 715 मार्क्स हासिल करके फर्स्ट रैंक हासिल कर ली है। आपको, आपके परिवार को, पूरे एल एन कैरियर इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत 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 ढेरों शुभकामनाएं हम सब की तरफ से आपको। और इस वक्त कैसा फील कर रही हैं आप? सर काफी अच्छा लग रहा है। आप लोगों का भी इतना सपोर्ट रहा, तो जो भी जिन लोगों ने मुझ पे मेहनत की उसका रिजल्ट आया है आज, तो काफी अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, आपने जो अपना डेडिकेशन से डिटरमाइंड होकर एलएन में रहकर जो 2 साल तक आपने कंटिन्यूस एफर्ट्स डाले हैं 11th क्लास एंड 12th क्लास के अंदर, वो वाकई काबिले तारीफ है। और आपको, आपके परिवार को, आपके दादा दादी को, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वक्त जो आपने सफलता हासिल की है, इसको आप क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? सर क्रेडिट तो पेरेंट्स का, गार्जियंस का, और मेनली जो टीचर जो मेरे साथ क्लास फर्स्ट से जुड़े हुए हैं, और मेनली एलन का। बिल्कुल, आपने ये 2 साल का जो एक सफर तय किया है, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताओ सभी को एक बार। सर आवाज नहीं आ रही, एक बार वापस से रिपीट। आपने जो 2 साल का ये सफर तय किया है 11th एंड 12th क्लास का, आपने कंटिन्यूअसली एलएन क्लासरूम प्रोग्राम में अपने एफर्ट्स डाले हैं, इस सफर के बारे में कुछ बताएं आप। सर 11th तो लॉकडाउन में चली गई थी, मतलब मैं फेब में आई थी, 11th में 11th खत्म हो गई थी, हमारी 12th शुरू हो गई थी। तो जब 2-3 महीने में यहाँ पे कोटा में ऑफलाइन मैंने क्लास में बच्चों के साथ बैठ के पढ़ी मैं, तो मैंने खुद के अंदर एक इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट देखा। मेरे मार्क्स अचानक से बढ़ गए थे, मतलब मैं पहले गोल ओरिएंटेड होके नहीं पढ़ रही थी, मैं एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ पढ़ रही थी, उसके बाद मैंने वो सब छोड़ दिया था। फिर 12th में वापस से लॉकडाउन लगा, तो सब टीचर्स को मैं पर्सनली जानने लग गई थी, तो मेरे जो कुछ वीक चैप्टर्स थे 11th क्लास के, वो सब मैंने कवर कर लिए 12th में। और फिर वापस से मैं ऑफलाइन आ गई, तब तो आप लोगों ने इतना अच्छा किया, वो मेरी बहुत हेल्प हुई उससे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार सफर रहा। और आपने जो लास्ट डिटरमाइंड होकर अपनी स्टडीज की है, ये पूरा परिणाम उसी का ही है, पूरा श्रेय उसी को जाता है। ये जिस तरह आपने फोकस रहकर, डिटरमाइंड होकर, एक प्रॉपर डायरेक्शन में अपनी मेहनत की है लगन के साथ, वाकई वो बहुत काबिले तारीफ है। और इस वक्त आप जो है अपने गांव से अपने कोटा की ओर रवाना हो रही हैं, और फिलहाल आप हाईवे पे ही हैं, और निश्चित रूप से आप अभी थोड़ी देर में कोटा भी पहुंच जाएंगी, फिर दोबारा आपका स्वागत करेंगे। तो निश्चित रूप से हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं फिर से। रनिश का बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर, ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके बेटा।